अगर आप भी YouTube पे एक क्रिएटर हो, यानी कि आप भी वीडियोस बनाते हो और आप अभी इनिशियल स्टेज पे हो, यानी कि आपने अभी नया नया वीडियो बनाना स्टार्ट किया है और एडिटिंग भी आप धीरे धीरे सीख रहे हो, तो आपकी वीडियो किसी भी टॉपिक पे है तो जब हम वीडियोज शूट करते हैं तो बहुत बार ऐसा होता है कि हम वीडियो के छोटे छोटे बहुत सारे क्लिप्स रिकॉर्ड कर लेते हैं, मतलब कि हमारी वीडियो की रिक्वायरमेंट भी हो सकती है या फिर ऐसी चीज़ें ऐसी कंडीशंस हो जाती हैं जिस वजह से हमें अपनी वीडियोज की बहुत सारी छोटी छोटी वीडियो क्लिप्स रिकॉर्ड करनी होती है और उन छोटी छोटी वीडियो क्लिप्स को ऐड करके एक वन एंड ओनली सिंगल वीडियो क्रिएट करना होता है। तो बहुत बार ऐसा होता है कि हम बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स यूज करते हैं जिसके थ्रू ये चीज़ें करते हैं, बट अगर आपको इन चीज़ों के बारे में नहीं पता है, यानी कि छोटे छोटे वीडियो क्लिप्स को एक साथ ऐड करके किस तरीके से एक सिंगल वीडियो बना सकते हैं, वो सब कुछ आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है निशांत कुमार और आप देख रहे हैं सीखो कंप्यूटर एंड टेक यूट्यूब चैनल। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप सीखते हैं। देखिए, ये जो वीडियो अभी बन रहा है, इसके लिए बहुत सारे आप लोगों के कमेंट्स हैं। बहुत सारे कमेंट्स मैंने पढ़े, उनमें आप लोगों ने ये कहा कि छोटी छोटी वीडियोज को एक साथ ऐड करके किस तरीके से एक सिंगल वीडियो बना सकते हैं। ऐसे बहुत सारे कमेंट्स मेरे चैनल्स पे आए, बहुत सारी वीडियोज में ये कमेंट्स आपके आए, तो इस वजह से ये वीडियो मैं बना रहा हूँ। तो ये चीज़ें आप अपने स्मार्टफोन से ही कर सकते हो। तो इस वीडियो में मैं आपको पावर डायरेक्टर और काइन मास्टर इन दोनों के अंदर बताऊँगा कि अपने छोटी छोटी वीडियो क्लिप को ऐड करके आप एक सिंगल वीडियो किस तरीके से क्रिएट कर सकते हो, और अगर आपको यही एडिटिंग यानी कि छोटी छोटी वीडियोज को किस तरीके से ऐड कर सकते हैं किसी और अदर एप्लीकेशन में या फिर किसी और अदर सॉफ्टवेयर में, तो उसके लिए आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। आपको उस सॉफ्टवेयर या फिर उस एप्लीकेशन के ऊपर मैं फुल्ली ट्यूटोरियल बना करके दूंगा। तो इस वीडियो में हम काइन मास्टर और पावर डायरेक्टर के अंदर सीखते हैं कि अपनी छोटी छोटी वीडियो क्लिप्स को किस तरीके से ऐड करके एक सिंगल वीडियो बना सकते हैं। काइन मास्टर में अगर ये चीज़ें करनी होगी आपको तो क्या करना है, यहाँ प्लस पे क्लिक करेंगे, स्लो इंस्टूडेंट 9 का रेशियो सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद मीडिया पे टाइप करेंगे। मीडिया पे टाइप करने के बाद आपको अपनी वीडियो सिलेक्ट करनी है, तो आपके फ़ोन की यहाँ पे फाइल्स ओपन हो जाएंगे। आपने जहाँ कहीं पे भी वीडियो रिकॉर्ड करके रखा हुआ है वहीं से आपको अपनी वीडियो सिलेक्ट कर लेनी होगी, ठीक है। अलग अलग फाइल्स में रखी हैं तो अलग अलग फाइल्स में से भी आप सिलेक्ट कर सकते हो। मान लीजिए कि मेरे पास ये पहली वीडियो है, इस पर मैंने यहाँ पर टैप किया, जैसे ही टैप किया ये वीडियो यहाँ पे आ गई, यहाँ पे टिक मार्क कर दे, ठीक है। तो देखिए ये एक हमारी वीडियो आ गई, तो मान लीजिए कि आपके पास एक वीडियो आ गई, अब यहीं पे इसी वीडियो के बाद आपको एक और सेकंड वीडियो यहाँ पे ऐड करना है, तो उसके लिए क्या करेंगे, सेकंड वीडियो अगर ऐड करना है तो क्या करेंगे, आप फिर से मीडिया पे क्लिक करेंगे। मीडिया पे क्लिक किया आपने, उसके बाद फिर से फाइल्स ओपन हो जाएंगी, तो आपने जहाँ कहीं पर भी वीडियो रखा हुआ है वहाँ से आपको फिर से अपनी वीडियो सिलेक्ट कर लेनी होगी, ठीक है। आप यहाँ पर चाहो तो इमेज भी लगा सकते हो या फिर आप वीडियोज भी, तो मैं यहाँ पर आपको दिखाता हूँ। देखिए मैं यहाँ पर एक और वीडियो आपको ऐड करके दिखा हूँ। यहाँ पे हम क्लिक करते हैं, यहाँ पे अदर फाइल्स ओपन हो गई, तो यहाँ पे देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे मेरी कुछ एक मैंने और वीडियोज फुटेज रखी हुई हैं, तो उन्हीं में से कोई एक आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। मान लीजिए कि यहाँ पे बहुत सारे वीडियो फुटेज हैं और आपको समझ में नहीं आ रहा कि जो फुटेज यहाँ पे ऐड करना है उसको कैसे समझें, तो उसके लिए क्या करना है कि जो भी वीडियो फुटेज है उस पर इस तरीके से टैप करना है, अंगूठे से दबाए रखना है, तो उस तरीके से ये वीडियो फुटेज यहाँ पे आएगा। यहाँ पे क्लिक करके आप प्ले करके देख लोगे कि जो वीडियो फुटेज आप ऐड करना चाहते हो वो वही है कि नहीं। अगर वो वही है तो सिंपल से प्लस पे क्लिक कर देंगे और यहाँ पर टिक मार्क कर देंगे, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पे भी एक वीडियो ऐड हो गया, एक वीडियो पहले हमारा यहाँ पे देखिए ये ऐड हुआ था, उसके बाद ये वीडियो हमारी ऐड हो गई, ठीक है। अब आप चाहो तो इसके बाद अगर चाहो तो यहाँ पे फिर से उसी तरीके से ऐड कर सकते हो। मीडिया पे क्लिक करेंगे, फाइल्स ओपन हो जाएंगे और जो भी वीडियो आपको यहाँ पे ऐड करना हो उस पर जाकर प्लस पे क्लिक कर देना है, वो वीडियो ऐड हो जाएगी। या फिर अगर आप चाहो तो यहाँ पे इमेज भी आप ऐड कर सकते हो, ठीक है। मान लीजिए कि यहाँ पे मेरे पास ये इमेज है, अगर इन इमेज में से कोई इमेज मुझे यहाँ पे ऐड करना हो तो मैं यहाँ पे सिंपल से क्लिक करूँगा, यहाँ पे टाइप कर दूँगा, देखिए इमेज भी यहाँ पे ऐड हो चुका है। और जो इमेज ऐड होता है उसको इस तरीके से टच करके आप चाहो तो जितनी दूर तक चाहो उतनी दूर तक इसे घटा बढ़ा सकते हो, इस तरीके से आप इमेज भी ऐड कर सकते हो। और एक चीज़ और मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूँगा कि मान लीजिए कि कोई वीडियो फुटेज है, यही वीडियो फुटेज है या फिर ये है कोई भी है, और इसके बीच में मतलब कि ये तो एक प्रॉपर वीडियो हो गई और इसी वीडियो के बीच में आपको कोई अदर वीडियो ऐड करनी है, तो उसके लिए क्या करना होगा, यहाँ पे टैप करेंगे,
यहाँ पे कैंची पे क्लिक करेंगे और तीसरे नंबर पे जो ऑप्शन है ना स्प्लिट एड प्ले हेड इस पर क्लिक कर देंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे टिक मार, तो ये वीडियो हमारी यहाँ पे कट हो चुकी है, ठीक है। तो क्या करेंगे, रेड लाइन को यहीं पे छोड़ देंगे, इस रेड लाइन को यहीं पे छोड़ देंगे, मीडिया पे क्लिक करेंगे, हमारी फाइल्स ओपन हो जाएंगी और फिर से हम क्या करेंगे, अपनी कोई एक वीडियो हम सिलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे मैं फिर से एक वीडियो आपको सिलेक्ट करके दिखाता हूँ। ये देखिए, ये हमारी जो वीडियो है, इस वीडियो को अगर मुझे यहाँ पे ऐड करना होगा तो यहाँ पे इस तरीके से टैप करेंगे, ठीक है। तो ये इस तरीके से शो होगा, तो क्या करना है, ये रेडलाइन हमारा यहाँ पर है तो उसके बाद इस पर क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिक हमारी वीडियो यहीं पर ऐड होगी। देखिए, ये यहाँ पे मैंने ऐड किया था, ये वीडियो हमने कट की थी, उसके बाद यहाँ पे बीच में ऐड किया हमने। तो इस तरीके से आप किसी और वीडियो फुटेज को कहीं पे भी ऐड कर सकते हो, मतलब ये रेड लाइन जहाँ पे रहेगा वहीं पे आप डायरेक्ट ऐड कर सकते हो, ठीक है। अगर आप चाहो तो अभी वीडियो के इस फर्स्ट पॉइंट पे यहाँ पे भी वीडियो फिर से ऐड कर सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से आप अपनी किसी भी वीडियो में छोटे छोटे वीडियो क्लिप्स को ऐड करके एक पूरी की पूरी सिंगल वीडियो बना सकते हो। मान लीजिए कि आपने सारी वीडियो फुटेज यहाँ पे ऐड कर ली है, तो उसके बाद यहाँ पे ये जो ऑप्शन दिख रहा है इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको सिलेक्ट कर लेना 720 ही सिलेक्ट कीजिए या फिर 1080, अगर आपके फ़ोन में स्पेस ज़्यादा है तो 1080 भी सिलेक्ट करेंगे, देन एक्सपोर्ट पे क्लिक कर देंगे और आपकी वीडियो पूरी तरीके से सब ऐड होकर के एक्सपोर्ट होकर के एक सिंगल वीडियो में कन्वर्ट होकर के आपकी गैलरी में आ जाएगी, ठीक है। और अगर यही चीज़ें आपको पावर डायरेक्टर में करनी होगी तो यहाँ पर पावर डायरेक्टर ओपन होने के बाद यहाँ पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे अपने प्रोजेक्ट का कुछ भी नाम आप लिख सकते हो, जो मर्जी 16:9 ही सिलेक्ट करके रखेंगे यहाँ पे, देन ओके प्रेस करेंगे। उसके बाद हमारा सरफेस कुछ इस तरीके से ओपन हो जाएगा। तो आपको क्या करना है कि अपनी वीडियो यहाँ पे, कोई सी भी वीडियो यहाँ पे आपको ऐड करनी होगी, ठीक है। मान लीजिए कि मैं यहाँ पे ये वाली वीडियो सेलेक्ट करता हूँ, देन यहाँ पे प्लस पे क्लिक करता हूँ। अगर आप प्लस पे क्लिक करोगे तो हमारी वीडियो यहाँ पे आ जाएगी, या यहाँ पे ये जो ऑप्शन दिख रहा है नीचे में, यहाँ पे स्टैप करने के बाद इस पर क्लिक करके आप प्ले करके देख सकते हो कि कौन सी वीडियो, ठीक है। मैं यहाँ पे प्लस पे क्लिक करता हूँ। अब प्लस पे हमने क्लिक किया तो हमारी वीडियो देखिए यहाँ पे ऐड हो चुकी है, ठीक है। अब हमने पहली वीडियो तो यहाँ पे ऐड कर ली, अब यहीं पे कोई सेकंड वीडियो हमें ऐड करनी होगी। तो उसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पे ये जो ऑप्शन दिख रहा है इस पर टाइप करेंगे, फिर से हमारी फ़ोन की फाइल्स ओपन हो जाएंगी। उसके बाद आपके जिस भी फाइल में जो भी वीडियो है उस पर यहाँ पे इस तरीके से टाइप करेंगे। टाइप करने के बाद उस वीडियो को यहाँ पे ऐड करेंगे। अब मान लीजिए कि मुझे यहाँ पे ये वाली वीडियो ऐड करनी है, तो इस पर टच करेंगे, ठीक है। इस पर इस तरीके से टच करेंगे, प्लस पे क्लिक कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे बैक आ जाएंगे, यहाँ पे बैक आ जाते हैं। अब देखिए यहाँ पे हमने, यहाँ पे ये हमारी पहली वीडियो हो गई और उसके बाद यहाँ पे हमारी दूसरी वीडियो यहीं पे ऐड हो चुकी है, ठीक है। दूसरी वीडियो हमने यहाँ पे ऐड कर ली, ठीक है। अब इसके बाद यहीं पे अगर आपको तीसरी वीडियो ऐड करनी है तो सिंपल से वही काम करना है। हम फिर से यहाँ पे क्लिक करेंगे और उसके बाद अपने फ़ोन की फाइल्स ओपन करेंगे और जो भी वीडियो आपको ऐड करनी हो उस पर क्लिक करके प्लस पे क्लिक कर देंगे, वो वीडियो फुटेज यहाँ पे ऑटोमेटिकली ऐड हो जाएगी, ठीक है। और अगर यहाँ पे कहीं पे भी मान लीजिए कि हमने ये वीडियो यहाँ पे लगाया हुआ है और यहाँ पे मान लीजिए कि ये वीडियो हमने लगा दी, लेकिन इससे पहले एक और कोई अदर वीडियो आपको चाहिए, तो फिर से मीडिया पे क्लिक करेंगे, अपने उस वीडियो तक जाएंगे और उस वीडियो को इस तरीके से यहाँ पे ड्रैग करके यहाँ पे ला सकते हैं पावर डायरेक्टर के अंदर। यहाँ पर हम ड्रैग करके ला के छोड़ेंगे तो ये वीडियो यहाँ पर ऐड हो गई, ठीक है। ये वीडियो यहाँ पर ऐड हो गई। और अगर आप चाहो तो इसी वीडियो के अंदर इमेज भी ऐड कर सकते हो। उसके लिए यहीं पे हम क्लिक करेंगे और यहाँ पे इमेज का ऑप्शन मिलता है, इस पर टच करेंगे और आपके फ़ोन की सारी इमेज ओपन हो जाएंगी। तो आप चाहो तो कोई भी इमेज यहाँ पे ऐड कर सकते हो। मान लीजिए कि मुझे ये इमेज ऐड करनी है, इस पर क्लिक करेंगे, प्लस पे क्लिक करेंगे, बैक आ जाएंगे, ठीक है। हम बैक आ जाते हैं तो ये इमेज देखिए यहाँ पर हमारी इमेज ऐड हो चुकी है, वीडियो है उसके बाद हमारी इमेज यहाँ पर आ चुकी है, ठीक है। तो इस तरीके से आप ऐड कर सकते हो। और अगर आप चाहो तो अपनी किसी भी वीडियो के बीच में भी कोई वीडियो क्लिप ऐड कर सकते हो। मान लीजिए कि ये वीडियो क्लिप है और इसके बीच में आप चाहते हो कि कोई और अदर वीडियो क्लिप ऐड कर दे और फिर इसके बाद यही वीडियो वापस से चलती रहे, तो सिंपल से इसको टच करेंगे, यहाँ पर कट कर देंगे, कट हो गया। अब ये ब्लू लाइन यहीं पे रहने देंगे या फिर आप कहीं पे भी रहने, उससे फर्क नहीं पड़ता है, हम यहीं पे इस तरीके से रहने देंगे। मीडिया पे क्लिक करेंगे, ठीक है। फिर से हमारी जो वीडियो फुटेज है उस पर हम वापस से आएंगे, तो यहाँ पे हमारी वीडियो फुटेज है। उसके बाद यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा और इनमें से कोई वीडियो मुझे यहाँ पे, जो भी वीडियो लगानी है, तो उसको इस तरह से पकड़ के यहाँ पे ड्रैग करके यहाँ पे ला करके मैं छोड़ दूँगा, ठीक है। अब बैक आ जाऊँगा। अब देखिए, अगर मैं यहाँ से अपनी वीडियो को प्ले करता हूँ तो ये वीडियो ख़त्म हुई। फिर से ये इस तरीके से जो भी है ये हुआ, ये इफेक्ट आया और फिर उसके बाद हम दूसरी वीडियो में एंटर कर जाएंगे, ठीक है।
और काइन मास्टर हो या फिर पावर डायरेक्टर हो या फिर कोई भी वीडियो फुटेज हो, वो वीडियो जहाँ पे भी कट होती है वहाँ पे आप ट्रांजिशन इफेक्ट लगा सकते हो। जो कट हुआ पॉइंट रहता है जहाँ पे वीडियो ऐड होती है उसके बॉक्स को इस तरीके से बॉक्स के उसको टच करेंगे और यहाँ पे बहुत सारे ट्रांजिशन इफेक्ट्स दिए रहते हैं, तो किसी को भी टच करके प्लस पे क्लिक करके उसको यहाँ पे ऐड कर सकते हो। और जब आप अपनी वीडियो प्ले करोगे तो एक वीडियो से दूसरी वीडियो में इस तरीके से ट्रांजिशन इफेक्ट के द्वारा हम अपनी वीडियो में एंटर करते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप छोटी छोटी वीडियो क्लिप्स को ऐड करके एक सिंगल वीडियो बना सकते हो पावर डायरेक्टर के अंदर में। और अगर आपके अभी भी कोई सवाल रह जा रहे हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, आपको रिप्लाई जरूर मिलेगा। तो ये वीडियो आपको कैसी लगे हमें जरूर बताइएगा, और अगर आपके किसी भी तरीके के सवाल रह जा रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ लीजिएगा, आपको रिप्लाई जरूर मिलेगा। और अगर आपको अपनी वीडियो का SEO नहीं करने आता, यानी कि आप बहुत ही अच्छा कंटेंट बनाते हो और अगर उसका सही तरीके से SEO नहीं करते हो तो बहुत सारी चीज़ें रह जाती हैं जिसकी वजह से आपकी वीडियो अच्छे तरीके से रन नहीं कर पाती है YouTube के ऊपर। तो अपनी किसी भी वीडियो का किस तरीके से परफेक्ट वे में SEO किया जाता है उसके लिए मैंने एक प्रॉपर ट्यूटोरियल बनाया हुआ है, उस वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी, उस वीडियो को एक बार जरूर देख लीजिएगा ताकि आपके वीडियो YouTube पे अच्छे तरीके से रन कर सके। और ये वीडियो आपको कैसी लगे हमें जरूर बताइएगा, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलिएगा। तो मिलते हैं इसी तरीके किसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।